जो रंग गुलाल रखा हुआ है, होली में ये उड़ने का इंतजार अब तक क्यों कर रहा है? इतना सारा सेलिब्रेशन हमने कर लिया, अब तक क्यों उड़ने का इंतजार कर रहा है? अरे होली में उड़े रे गुलाल, तो फिर उड़ाइए गुलाल और सपना जी के साथ सेलिब्रेट कीजिए। होली का क्या रंग है, अगर आपको ये महसूस करना है तो टीवी 9 भारतवर्ष के साथ लगातार आपको जुड़े रहना चाहिए। यहाँ जो मैं महसूस कर रहा हूँ, ये हवा मानो आपके साथ होली खेल रही है। सरयू जी के किनारे ऐसा लग रहा है जैसे सरयू जी ने इन बच्चों को अपनी गोद में खेलने का मौका दिया हो। उधर कतारबद्ध होकर मंदिर लगता है स्तुति कर रहे हैं सरयू की, और सरयू जी आशीर्वाद देते हुए आगे की तरफ बढ़ रही हैं। और ऐसे में सरयू के किनारे अगर आपको होली खेलने के लिए मिल रहा है और आपको देखने के लिए जुड़ने के लिए मिल रहा है, तो ये सौभाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन अभी अबीर गुलाल इतना उड़ा कि लगता है कि पूरी अयोध्या में जाकर कहीं कहीं छा गया होगा। अब मैं ज़रा ये समझूं
कि सपना जी से बातचीत करने के लिए यहाँ बहुत सारे लोग बेकरार थे, लेकिन जब मैं सपना परफॉर्म कर रही थी और पीछे जाकर मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई साहब है तो दिल में बहुत कुछ लेकिन बोल ना पाएंगे। सपना जी ऐसा क्यों होता है? नहीं मैं कोई भूत हूँ भाई, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मैं तो बड़ी प्यारी सी बच्ची हूँ मैं तो किसी को कुछ नहीं कहती। लेकिन फिर भी हैं कुछ लोग जिन्होंने हिम्मत जुटाई है, देखिए वो आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं गुलाबी कमीज में। हाँ कहिए, नाम क्या है आपका? सर अतुल पांडे नाम है। पांडे जी क्या कहना है आपको? मैडम के साथ एक सेल्फी लेनी थी। मैडम के साथ मेरी बहुत इच्छा थी मैडम के साथ जो है। आइए 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 जल्दी आइए जल्दी आइए, आपने भी मौका देख के चौका मार दिया। बाकी तेरी हिम्मत काम करेगी बेटा, शाना बहुत है। आ जाइए, मैं खींचू आप खींचेंगे? अरे आइए, आप बोले तो मैं खींच देता हूँ, ये काम मैं कर देता हूँ। आइए आइए आइए। अच्छा ये बताइए, अगर ये फोन इस भीड़ में कोई आपकी जेब से निकाल ले आज तो क्या होगा आपके साथ? नहीं निकाल पाएगा। अब नहीं निकाल पाएगा ना? हाँ ऊपर वाली अब तो ताले में रखा जाएगा। अच्छा घर में दिखा देंगे आपने जो ये किया है? चलिए ठीक है, धन्यवाद। एक और साहब है, एक नहीं मैडम है। मैडम कहाँ गई जिनके हाथ में माइक था अभी मैंने देखा? बहुत ही गौरव महसूस कर रहे हैं अयोध्या में आपको आके। और इधर आ जाइए, बोलते बोलते इधर आ जाइए आप। यहाँ पे जितनी भी मातृशक्तियाँ आप लोग को दिख रही है और बहुत सारी लड़कियाँ, बहुत सारी लेडीज जो आपकी फैन है, बहुत बड़ी फैन है, तो आप उसको क्या इंस्पिरेशन करते आएंगी? सिर्फ अपने घर वालों की सुनो, क्योंकि घर वाले ही होते हैं जो आपका कभी बुरा नहीं चाहेंगे। बाकी मैं ये नहीं कहती बाहर वाले भी अच्छे होते हैं, लेकिन घर वाले ऐसे होते हैं जो सही में आपको सच्ची शिक्षा देते हैं। तो सुनो तो सिर्फ माँ की और बाप की, बाकी किसी की नहीं। थैंक यू मैम। और ये होता है हरियाणवी अंदाज बात करने का, इसमें आपको एन उस पे नहीं जाना चाहिए, अंदाज पे नहीं जाना चाहिए, जो कहा जा रहा है उसका मर्म समझ लेना चाहिए। नहीं चटक के धूप खिली है। लोग बोलते हैं कि हरियाणवी लैंग्वेज बड़ी अजीब सी होती है, लेकिन हमारी टोन ऐसी ही होती है, लेकिन हम बड़े प्यार से बात करते हैं। लेकिन हम जब प्यार से बात करते हैं तब भी सामने वाले को ऐसा ही लगता है कि हम ईंट मार रहे हैं। लेकिन ये जो मैं कह रहा था कि ये ईंट ईंट अभी अभी बोलेंगी तो ईंट मारेंगी ना। आइए इनका बोलना बंद कराते हैं। चटक तो एक चैलेंज होता है क्या? ये तनी हुई रस्सी में चलने वाली कला होती है, क्योंकि होली बेतकल्लुफी का नाम है जिसमें आप सारे तकल्लुफ भूल के त्योहार मनाते हैं।
लेकिन दूसरी तरफ आपको मर्यादित आचरण का भी ध्यान रखना है। फैक्टर तो एक तरफ मर्यादा का ध्यान रखते हुए दूसरे आपको होली मनाना है, यही अवध में होली का मिजाज है। लेकिन अब होली में वो होने वाला है जिस धमाल का आप सबको इंतजार था। होली का ये धमाल लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके लिए मैं ये मानता हूँ ये जो परफॉर्मेंस होने वाली है ये ऐन पैसे वसूल परफॉर्मेंस है। ये क्या है आइए देखते हैं। अरे रंग बरसे होली कब है? कब है होली? होली पे तेरी मलूक लाल रंग बता ब्लू या लाल तेर में तेरे उड़ते बाल आजा रंग तू दोनों का अरे सारा रा रा अरे सारा रा रा अरे सारा रा रा कबीरा सारा रा रा बलों में पिचकारी जो तूने मुझे मारी तो सीधी साधी चोरी शराबी हो गई अजी बहन के जो तूने मारा ढूंढा तो बड़ों संगी भाभी हो गई बलों में पिचकारी जो तूने मुझे मारी तो सीधी साधी चोरी शराबी हो गई अजी बहन के जो तूने मारा ढूंढा तो बड़ों संगी भाभी हो गई नीला पीला लाल गुलाल उस पे मेरे घोड़े का काली काली तो अब ये तेरी आँख्या का यो काजल भर नहीं रहेगा, तेरी आँख्या में ये गुलाल भी गाना बनाना पड़ेगा। आँखों में रंग लाल गुलाबी हरा नीला पीला जितना भी चाहता सारा ठूस दिया। और अब ये बताइए ये होली कैसी लगी आपको, यादगार रही सपना जी के साथ ये होली? आप लोगों को मजा आया हो या ना आया हो मुझे बहुत मजा आया और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। भगवान करे श्री राम की नगरी में मैं बार बार आऊं और आप लोगों से यूं ही रूबरू होती रहूं। बहुत 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 अच्छा लगा। सपना जी आपका बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला। मैं उम्मीद करता हूं हमारे सब तमाम दर्शकों के लिए, अयोध्या में यहां मौजूद हमारी इस ऑडियंस के लिए ये होली यादगार रहेगी। इस प्यारी सी ऑडियंस का बहुत धन्यवाद।
और भगवान राम की कृपा से हमको इतना बढ़िया तरीके से सरयू के किनारे होली मनाने का मौका मिला। बिल्कुल, भगवान राम की कृपा के लिए भगवान राम का बहुत धन्यवाद। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरुतो मारुतिर्यस्य तं वंदे रघुनंदनम। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। और इससे पहले कि हम विदा लें, आपको ये भी बता दें यश म्यूजिकल एकेडमी के बच्चों ने गजब की मेहनत की है, गजब परफॉर्म किया है। इससे पहले कि हम विदा लें, मैं यहाँ के पुलिस प्रशासन का भी धन्यवाद करना चाहूँगी, हमारे साथ डटकर खड़े हुए। थैंक यू सो 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 मच, आप सभी को बहुत बहुत दिल से तहे दिल से थैंक यू। एक बार फिर से आपको होली की बहुत सारी बधाई। और आइए अब सपना जी को धड़काऊंगी, होश उड़ाऊंगी, ये सबको मना लूंगी, सब रूठ गए तो क्या, मैं नाचूं बिन पायल, घुंघरू टूट गए तो क्या, मैं नाचूं बिन पायल, घुंघरू टूट गए तो क्या। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।